Morning students. So in this class we will learn about types of algebraic expression like and unlike terms, degree of a algebraic expression and numerical value of an algebraic expression. So let us start with our first topic, that is type of algebraic expression. In that first one is monomial. What is the meaning of monomial? An algebraic expression containing only one term is called monomial. ऐसे algebraic expression सिर्फ जिसमें सिर्फ एक ही term हो, for example 2, 3x, बाद में 6x2y, -7yz, ये सभी एक एक term वाले हैं. तो ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें सिर्फ वन टर्म हो उसको बोलते हैं हम मोनोमियल, राइट. नाउ सेकेंड वन इज बाइनोमियल. एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कंटेनिंग टू टर्म्स इज कॉल्ड बाइनोमियल. ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें कितने टर्म्स होने चाहिए, टू टर्म्स होने चाहिए, तो उसको हम बोलेंगे बाइनोमियल. फॉर एग्जाम्पल x+3, x³+7, 7/2, x³+xyz², ये सभी दो दो टर्म वाले हैं, यस, तो इसको बोलेंगे हम बाइनोमियल. नाउ थर्ड वन इज ट्राइनोमियल. Trinomial. An algebraic expression containing three terms is called trinomial. ऐसे algebraic expression जिसमें कितने terms होने चाहिए, three terms होने चाहिए, उसको बोलेंगे हम trinomial. For example, a² + b² + c² three terms हुए तो इसको बोलेंगे हम trinomial. 3+x²y+zy² दिस इज ऑल्सो ट्राइनोमियल, क्योंकि इसमें थ्री टर्म्स है तो इसको बोलेंगे ट्राइनोमियल, राइट. नाउ फोर्थ वन इज क्वाड्रिनोमियल. Quadrinomial means an algebraic expression containing four terms is called a quadrinomial. ऐसे algebraic expression जिसमें कितने terms होने चाहिए, हमारे पास four terms होने चाहिए, उसको हम बोलेंगे quadrinomial, right? For example, a² + b² + c² + 3abc. ये हमारा हो गया quadrinomial, right? Then x² + y² + 2xy + 2yx, ये भी हो गया क्वाड्रिनोमियल. क्यों क्वाड्रिनोमियल हुआ, क्योंकि इसमें कितने टर्म्स है, हमारे पास फोर टर्म्स है, तो उसको बोलेंगे हम क्वाड्रिनोमियल. नाउ पॉलीनोमियल. एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कंटेनिंग टू और मोर टर्म्स आर कॉल्ड पॉलीनोमियल. तो ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें टू टर्म्स हो या फिर उससे ज्यादा टर्म्स हो तो उसको हम बोलेंगे पॉलीनोमियल. इट मींस मोनोमियल को छोड़ के बाकी सब क्या है हमारे, पॉलीनोमियल. सो बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, क्वाड्रिनोमियल और अदर आर पॉलीनोमियल. जिसमें दो या फिर उससे ज्यादा टर्म हो उसको हम बोलेंगे पॉलीनोमियल. यानी हम बाइनोमियल को भी पॉलीनोमियल बोल सकते हैं, ट्राइनोमियल को भी पॉलीनोमियल बोल सकते हैं, क्वाड्रिनोमियल को भी पॉलीनोमियल बोल सकते हैं, और इफ फाइव टर्म्स है तो उसको भी हमें पॉलीनोमियल ही बोलना है. सिर्फ वन टर्म वाला जो भी हो उसको हम मोनोमियल बोलेंगे. अंडरस्टूड. नाउ नेक्स्ट टॉपिक, that is like
एंड अनलाइक टर्म्स, लाइक एंड अनलाइक टर्म्स. फर्स्ट वी विल लर्न लाइक टर्म्स. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लाइक टर्म? द टर्म हैविंग द सेम वेरिएबल और लेटरल्स विथ सेम एक्सपोनेंट आर कॉल्ड लाइक वेरिएबल्स, या फिर लाइक टर्म्स. भी लाइक टर्म्स किसको बोलते हैं? ये 12x एंड -5x, ये लाइक हुए. क्यों? क्योंकि इसका वेरिएबल क्या है? एक्स. और उसका एक्सपोनेंट यानी उसके पावर में क्या है? वन पावर है. तो दोनों के वेरिएबल हमारे पास सेम हो गए. नाउ ऐसे है, इरिस्पेक्टिव कोई भी नंबर हो, यहाँ पे देखो 12 -5 उसे फर्क नहीं पड़ता, बट हमें क्या देखना है? उसके वेरिएबल देखने हैं. 9x² एंड 13x² ये हो गए हमारे लाइक टर्म. क्यों? क्योंकि 9 इसका ये देखो वेरिएबल देखो, दोनों में एक्स स्क्वेयर है यानी एक्स के पावर में 2 है, यहाँ पे भी एक्स के पावर में 2 है. इसका मतलब ये दोनों टर्म है वो लाइक टर्म्स है. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अनलाइक टर्म? जो लाइक टर्म है उसका उल्टा. द टर्म्स हैविंग द सेम वेरिएबल विद डिफरेंट एक्सपोनेंट और डिफरेंट वेरिएबल विद सेम एक्सपोनेंट आर कॉल्ड अनलाइक टर्म्स. अभी ऐसे टर्म जिसमें सेम वेरिएबल तो हो बट उसके पावर डिफरेंट हो, या फिर पावर सेम हो और वेरिएबल डिफरेंट हो, तो उसको बोलेंगे हम अनलाइक टर्म्स. फॉर एग्जाम्पल 5x एंड 3y. अभी यहाँ पे देखो वेरिएबल डिफरेंट हो गए यानी वो अनलाइक टर्म्स हो गए. देन 2x² एंड 3y² पावर दोनों के सेम है, एक्सपोनेंट दोनों के सेम है बट वेरिएबल दोनों के डिफरेंट है, तो उसको बोलेंगे हम अनलाइक टर्म्स. राइट. नाउ डिग्री ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. डिग्री ऑफ एन राइट, एक अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दिया है 3x² y प्लस 4x³ y प्लस 7x³ y^6. राइट. तो पहले हमें क्या करना है? अलग अलग टर्म की अलग अलग डिग्री हमें पहले तो फाइंड करनी है. डिग्री यानी उसके जो ये पावर से उसको हमें प्लस करके देखना है. जिसका भी हाईएस्ट पावर होगा वो ये पोल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का डिग्री होगा. अंडरस्टूड? फर्स्ट वी विल फाइंड द पावर और एक्सपोनेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन. द पावर ऑफ द टर्म, फर्स्ट वी विल राइट द पावर ऑफ, फर्स्ट वाला टर्म लेते हैं 3x² y, यानी नंबर को छोड़ देना है. इसका पावर क्या है? 2. और इसका पावर यहाँ पे कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब 1 है वो. तो इसका पावर टोटल कितना हुआ? 3. नाउ अगेन सेकेंड उसका लेंगे द पावर ऑफ 4x³ y इक्वल टू 3 + 1, 4 आया. एंड द पावर ऑफ 7x³ y^6 इक्वल टू 3 + 6, आंसर 9. तो ये तीनों में से जो हाईएस्ट पावर है वो ये एक्सप्रेशन की, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की डिग्री होगी. हाईएस्ट कौन है? 9. तो हमें क्या लिखना है? द डिग्री ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन
इज, सबसे बड़ा कौन है? 9. सो आवर आंसर इज 9. अंडरस्टूड? नाउ न्यूमेरिक वैल्यू ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, न्यूमेरिकल वैल्यू राइट. अभी बोला है कैलकुलेट द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन 3x² प्लस 7x इफ x इक्वल टू 3. हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है जब x की वैल्यू क्या दी हो? 3. तो यहाँ पे तो आगे 3 है, इसका मतलब क्या हुआ? 3 मल्टीप्लाई बाय x² है, तो 3 ब्रैकेट x की जगह पे हमें क्या डाल देना है? 3 को डालना है, प्लस 7 मल्टीप्लाई बाई 3. 3 का स्क्वायर का मतलब क्या होता है? 3 कितनी टाइम्स हमें मल्टीप्लाई करना है? पहले तो 2 टाइम्स 3, और 3 का स्क्वायर मतलब 3 3 ज़ा क्या हो जाएगा? 9, प्लस 3 7 ज़ा 21, 3 9 ज़ा 27, प्लस 21. सो आवर आंसर इज 48. सो दिस इज द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द गिवन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. सेकेंड वन इज गिवन 2a-3b इफ ए इक्वल टू 5, बी इक्वल टू -1. अभी टू, ए की जगह पे क्या डालना है? 5, माइनस 3 इंटू -1, 2 5 जा 10, माइनस 3 1 जा 3, ये प्लस ये माइनस, सो या माइनस. अभी माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, राइट? सो आवर आंसर इज 13. अंडरस्टूड? नाउ लेट अस मूव टू आवर एक्सरसाइज. विल कंटिन्यू फ्रॉम वेयर वी हैव स्टॉप्ड. क्वेश्चन नंबर 6. क्लासीफाई द गिवन, क्लासीफाई इंटू मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल. हमें क्लासीफाई करना है कि कौन सा मोनोमियल में आता है, कौन सा बाइनोमियल एंड कौन सा अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ट्राइनोमियल में आता है. सो पहले हम टेबल बना लेते हैं, मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल का, राइट? फर्स्ट वन इज गिवन 4y-7x. अभी देखो इसमें कितने टर्म्स है, 1 एंड 2. जब भी टू टर्म हो तो वो कहां पे आएगा? बाइनोमियल में. इट मीन्स वी हैव टू राइट हियर 4y-7x. देन जेड स्क्वेयर, एक ही टर्म है तो मोनोमियल में आएगा, मोनोमियल के नीचे लिख दो जेड स्क्वेयर. देन 7x+y³-xy. तो अभी ये टर्म कहाँ पे आएगा? कितने टर्म्स है? 1, 2 एंड 3. इट मीन्स ट्राइनोमियल, तो उसको ट्राइनोमियल के नीचे लिख देते हैं 7x+y³-xy. देन इट इज ab-a²-b² थ्री टर्म्स हुए, तो उसको फिर से ट्राइनोमियल के नीचे ab-b² - a². देन 65-43x³, दो टर्म है तो यहाँ पे 65-43x³. तो जो भी वन टर्म वाले हो उसको मोनोमियल के नीचे लिखने, टू टर्म्स हो तो बाइनोमियल के नीचे, और थ्री टर्म्स वाले हो तो उसको ट्राइनोमियल के नीचे लिखना. अंडरस्टूड? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. स्टेट वेदर अ गिवन पेयर ऑफ टर्म इज लाइक और अनलाइक टर्म. हमें पेयर दिए 1 एंड 100. अभी देखो ये लाइक है कि अनलाइक है वो हमें देख के बताना है.
यहाँ पे कोई वेरिएबल है, कोई भी अल्फाबेट लिखा है? नो, यहाँ पे भी कोई अल्फाबेट नहीं लिखा है, इट मीन्स ये दोनों लाइक हो गए. सो विल जस्ट राइट लाइक टर्म्स, देन माइनस 29x माइनस 29y. अभी देखो इसके वेरिएबल, देखो यहाँ पे x है, यहाँ पे y है, तो ये लाइक हुआ कि अनलाइक हुआ? दिस इज अनलाइक टर्म. अंडरस्टूड? देन 14xy 42yx. अभी देखो दोनों के वेरिएबल एक्स वाई और यहाँ पे वाई एक्स, वो दोनों सेम हुए. मैं एक्स वाई लिखूँ कि वाई एक्स लिखूँ, बोथ आर सेम. तो ये क्या हो गया हमारा? लाइक टर्म्स. अंडरस्टूड? सो जिसमें लाइक आता है, जिसके वेरिएबल और उसके एक्सपोनेंट सेम है तो वो लाइक हो जाएंगे, और जिसके वेरिएबल सेम एक्सपोनेंट डिफरेंट तो अनलाइक, और एक्सपोनेंट सेम एंड वेरिएबल डिफरेंट तो भी अनलाइक. आइडेंटिफाई लाइक इन द फॉलोइंग. क्वेश्चन नंबर 8 इट इज गिवन. उसका फर्स्ट A1 वी विल डू -7xy2. अभी मुझे एक्स वाई स्क्वेयर वाला जो भी वो लाइन में टर्म दिया है वो हमें फाइंड करना है, राइट? सो इट इज -3xy2. इसका लाइक टर्म मिल गया. देन सेकेंड वन इज वो ही लाइन में, सेकेंड टर्म क्या दिया है? 17x2y. तो उसमें जो भी एक्स स्क्वेयर वाई वाला है टर्म, दैट वी हैव टू फाइंड एंड राइट. सो दैट इज -yx2. वेरिएबल देखो सेम है, उसका पावर सेम है, वाई वाई सेम है. यहाँ पे माइनस हो प्लस वाली वैल्यू उसे फर्क नहीं पड़ता, राइट? आगे जो भी कोएफिशिएंट हो उसे फर्क नहीं पड़ता. देन 2xyz, तो उसमें 2xyz वाला टर्म कौन सा है? 3zyx. फोर्थ वन -17. कोई भी वेरिएबल नहीं है इसमें, सो ओनली नंबर वी हैव टू फाइंड 202. देन फिफ्थ वन इज 13p²q. इसका लाइन टर्म क्या है? p आई मीन क्यू पी स्क्वेयर और एक है 3p²q. देन सिक्स्थ वन 1/3 PQR². तो इसका लाइक टर्म क्या है? 7R²PQ. अंडरस्टूड? वैसे सेकेंड वन यू हैव टू डू. नाउ हमें जस्ट लाइक टर्म्स फाइंड करके उसके पास लिखने हैं. क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन व्हेन एक्स इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 3. फर्स्ट वन इट इज गिवन 7x² + 4xy, राइट? 7x² का मतलब क्या होता है? 7x की जगह पे हमें क्या डालना है? 2, और उसका स्क्वायर करना है. बाद में प्लस 4x की जगह पे क्या डालना है? 2 मल्टीप्लाई बाय 3, राइट? स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि 2 को हमें कितनी टाइम्स मल्टीप्लाई करना है? 2 टाइम्स. तो 2 2 जा 4, प्लस ये तीनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 7 4 जा 28, +24, 8 + 4 12, 1 carry. 2 + 2 4 + 1 5, 52 is our answer. Understood? Next one I am doing.
दैट इज 3x² y - y³। तो 3 x की जगह पे क्या डालना है, 2² और y की जगह पे 3 - 3³। स्क्वेयर का मतलब 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना होता है, तो 3 2 2 ज़ा 4 * 3 - 3 को कितनी टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 3 टाइम्स, 3 3 ज़ा 9 एंड 9 3 ज़ा 27, 3 4 ज़ा 12, 12 3 ज़ा 36 - 27। 6 में से 7 कटने होता तो ये हो जाएगा 16 एंड दिस विल बिकम 2, 16 - 7, 9 एंड 2 - 2 0, सो दिस इज़ अवर आंसर। अंडरस्टूड, थैंक यू।